हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक इंडिया व्हाट्सएप को बैन कर सकता है। होम मिनिस्ट्री की सख्ती के कारण व्हाट्सएप अब शक के घेरे में है। न्यू दिल्ली में हुई एक मीटिंग में मिनिस्ट्री ने ये चिंता जताई कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल करके अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। इस मीटिंग में जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट, जिन्होंने 2016 में नगरोटा आर्मी कैंप में हमला किया था, उनके अरेस्ट को हाईलाइट किया गया था। आतंकवादी जो कि 7 सोल्जर्स की डेथ के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि उन्हें बॉर्डर के उस तरफ से व्हाट्सएप कॉल से इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। ये मीटिंग एक ऐसा फोरम था जिसमें ये डिस्कस किया गया कि सोशल मीडिया साइट्स या ऐप्स को कैसे मॉनिटर किया जाए। इसमें सिर्फ टेररिस्ट को इसका इस्तेमाल करने से रोकना ही शामिल नहीं है, इसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अफवाहें फैलाना और कम्युनल कंटेंट फैलाना भी रोकना शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टॉप ऑफिशियल्स ने कि टॉप ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिशियल्स ने यह सहमति जताई कि एंटी नेशनल फोर्सेस के लिए व्हाट्सएप एक प्रेफर्ड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इसी के कारण गवर्नमेंट अब ऐसे लॉज तैयार कर रही है जो कि ऐसे ऐप्स को गवर्नमेंट के सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कंपेल करेगी जब भी उनकी मांग की जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए एक ऑफिशियल ने बताया कि एजेंसीज व्हाट्सएप जैसी ऐप्स को मॉनिटर करने में बहुत मुश्किल महसूस कर रही हैं क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के कारण वो इस सर्विस को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इसी के कारण उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की एग्जांपल को फॉलो करने की बात कही, जहां पर व्हाट्सएप वॉइस और वीडियो कॉलिंग बैन है। ये ऐसा पहली बार नहीं है कि जब गवर्नमेंट ने ऐसा एक्शन लेने की बात की है। 2016 में एक बिल फाइल की गई थी कि इस ऐप के यूज को नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर बैन कर दिया जाए, लेकिन इस केस को बंद कर दिया गया था। और ऐसा इस बार भी हो सकता है क्योंकि ऐसा कोई भी कंसीवेबल वे नहीं है जिसमें व्हाट्सएप खुद अपने इंक्रिप्शन को लिमिटेड यूजर बेस के लिए रोल बैक करे, और ऐसी कोई वजह भी नहीं है कि वो ऐसा करें। बिलियन से ज़्यादा यूजर्स होने के कारण अब ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर्स के डाटा को सेफ रखें, यहाँ तक कि उनकी खुद की गवर्नमेंट से भी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।